हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ किया था और उनके हमने हर एक पार्ट को किया था। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव आता है जिसके 10 पार्ट्स हैं और जो ये 10 पार्ट्स आए हैं ऐसे हमारे पास 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। यही वो क्वेश्चन है जो हम आपको बोलते हैं कि 8th चैप्टर में से 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, वो इस टाइप का ही आता है। या तो इन 10 पार्ट्स और 1 या 2 हमारे एग्जांपल हैं, इनमें से कोई एक आ जाता है। अगर इनमें से नहीं आता है तो इनके बेस पे इनके जैसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड गिवन होगी और हमें उनको इक्वल टू दिखाना है कि भाई वो उनके इक्वल आती है या नहीं आती है, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई एक एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन को हमें प्रूफ करना है कि वो एक्सप्रेशन इक्वल आता है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दे रखी है वो इक्वल आती है। तो इनको करने का सबसे आसान और सबसे सिंपल मेथड, या जितने भी मेथड हैं हम आपको बताएंगे वो कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एज यूजुअल ऐसे जितने भी सम करते हैं, सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, सोल्व करते करते राइट हैंड साइड आ जाए, तो ये मेथड है हमारा। सेकंड क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, उसको सिंप्लीफाई किया लेकिन राइट हैंड साइड नहीं आई, तो हम उसकी राइट हैंड साइड को भी उठाएंगे, सिंप्लीफाई कराएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक सोल्व किया था, राइट हैंड साइड को भी यहीं तक सोल्व किया, तो वो सोल्व करने के बाद दोनों साइड इक्वल आ जाती है। दूसरा ये है हमारे पास। तो हम इनमें ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। अगर सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो हम उनको लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, सोल्व करते जाते हैं, राइट हैंड साइड आ जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चन को हटा के या थोड़ा सा उसमें हम कॉम्प्लिकेटेड अगर उसको बनाना चाहें तो हम उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद वो इक्वल आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे थोड़े से हट के आते हैं, ठीक है बच्चों। और जब भी हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करेंगे। साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करने के बाद हम एलसीएम वगैरह जो भी वहां पे हमारे पास उचित होगा हम उसको यूज करेंगे। एलसीएम लिया जाए, किसी आइडेंटिटी का यूज किया जाए, कहीं पर रैशनलाइज किया जाए, जो भी वहां पर सुटेबल होगा उसके बाद हम उसको उसके इक्वल लेके आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम इसके 3 पार्ट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 पार्ट करेंगे। एक पार्ट मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है, पूरा कंप्लीट कर रखा है, 2 अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्वड आर एक्यूट एंगल। जो नीचे आइडेंटिटी है 10 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने सिर्फ एक ही लिखी है यहाँ पे, उनको हमें प्रूफ करना है जहाँ पे जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर आइडेंटिफाइड, जो एक्सप्रेशन है उसके लिए वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो फर्स्ट हमने लिखी कोसेकेंट स्क्वेयर, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ये है हमारे पास सबसे सिंपल फर्स्ट मेथड। ऑप्ट करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो यही है हमारे पास कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वेयर। अब हमें पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म कोसेकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin साइन थीटा। कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख लेते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हमारे पास इस तरह की चीज़ आएगी। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 कोस थीटा होल स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा, ये लिख सकते हैं। फिर ये 1 कोस थीटा होल स्क्वेयर है, इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 1 कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा। बट नीचे क्या है हमारे पास, साइन स्क्वेयर थीटा है। इस साइन स्क्वेयर थीटा की हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने की थी इसकी वैल्यू को वहां से निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कोस। कोस कहां से पता लगा, जो ऊपर दे रखा है। तो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से मैं अगर साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जो कोस स्क्वेयर थीटा है इसको उठा के मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊँगा बाई चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आता है 1 कोस स्क्वेयर थीटा। अब इस 1 को मैं 1 स्क्वेयर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 स्क्वेयर इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे मेरे पास ये 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा दिखाई देता है। जैसे ये दिखाई दिया तो मेरे पास क्या बन गया, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाता है। फिर यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मेरे पास ये बन जाती है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन इंटू 1
प्लस कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। अब ऊपर मेरे पास दो बार है यहाँ पे, ये टू टाइम्स लिखा है, वन माइनस कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे वन माइनस कोस थीटा से वन माइनस कोस थीटा कैंसल आउट हो जाता है, क्या बचता है, वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। तो देखिए क्या हमें यही प्रूफ नहीं करना था, तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये क्या आती है हमारे राइट हैंड साइड आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ जाती है और लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूफ्ड। और इसके अंदर जितना भी जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रीजनिंग आएगी, उसको हम बच्चों साथ में लिखते जाएंगे। एक भी स्टेप ऐसा नहीं होगा कि उसको हम बिना रीजन के लिखें, हमें उसको बताना होता है कि हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आए तो इस रीजन की वजह से आए, इस वजह से आए, ठीक है। अभी हमारे पास इसका पार्ट नंबर टू आता है, यह है बच्चों हमारा पार्ट नंबर टू। ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड ए। वही सेम मेथड ऑप्ट करेंगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिखता है, क्या कर सकते हैं, एलसीएम दिखाई देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ऑलरेडी है, तो क्या करो एलसीएम ले लो बच्चों, क्या आता है, वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाता है, जैसे ही सोल्व करेंगे तो कोस स्क्वेयर ए, और यहाँ बन जाता है वन प्लस साइन ए होल स्क्वेयर। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये एज इट इज रखा रहेगा, यहाँ पे क्या बनता है ए प्लस बी होल स्क्वेयर बनेगा, ए का काम करेगा वन और बी का काम करेगा साइन ए, तो आइडेंटिटी बन जाती है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ये बन जाती है, और अपॉन में जो भी हमारे पास है वो एज इट इज रहेगा, ये रहता है हमारे पास। फिर हमें बच्चों ये पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन होता है, और इसके अंदर साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए दोनों हैं, तो हम क्या करते हैं इनको पास पास लिख लेते हैं ताकि आइडेंटिटी हमारे पास क्लियर हो सके। तो मैं इसको साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए, इस टर्म को उठा लेता हूँ यहाँ से और एक इसको उठा लेता हूँ, यहाँ लिख दिया वन स्क्वेयर, मेरे को पता है वन होगा, टू इंटू वन इंटू साइन ए टू साइन ए हो जाएगा, ये भी हमें पता है, और यहाँ पे हमारे पास ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास वन बन जाता है, मैं इसके प्लेस पे वन लिख सकता हूँ, वन यहाँ पे ऑलरेडी रखा है, फिर साथ में है टू साइन ए, ये मेरे पास यहाँ रह जाता है, और इंटू कोस ए। अब ये वन प्लस वन हमारे पास टू बन जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टू लिख सकता हूँ, और प्लस में क्या है टू साइन ए, अपॉन में मेरे पास वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए है। अब न्यूमरेटर में से मैं टू कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास ट्वाइस ऑफ वन प्लस साइन ए रह जाता है, और ये रहेगा। तो यहाँ से जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे पास ये कैंसल आउट हो जाता है, और कैंसल आउट होने के बाद क्या बच गया, टू अपॉन कोस ए, जो कि मेरे पास टू टाइम्स सीकेंट ए बनता है, यही हमें प्रूफ करना था। तो यही हमारे पास आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, क्या किया हमने, एलसीएम लिया यहाँ पे, एलसीएम लेते ही हमारे पास ये बन गया यहाँ पे, इसकी हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया, फिर इनको हमने पास पास लिख लिया ताकि आइडेंटिटी क्लियर हो सके, और ये एज इट इज़ है, फिर ये पूरी वन बन गई हमारे पास, ये एज इट इज़ रहा। यहाँ पे हम इसका रीजन लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है साइन और कोस, ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ पे हमने कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया, आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल सा सम है। एक लास्ट सम और करेंगे हम, पार्ट नंबर थर्ड। अब बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखें स्टार्ट वहीं से करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
फिर इसके बाद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारे पास टेन थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। हम यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं और हमने आपको बताया था कि हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा की है, टेन थीटा और कोट थीटा इन्वॉल्व है तो उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इन प्लेस ऑफ टेन थीटा एंड कोट थीटा। यही करेंगे हम यहाँ पे, टेन थीटा के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन वन माइनस, और कोट के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आ गया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वन को वन अपॉन वन लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, एलसीएम ही दिखाई देता है तो एलसीएम ही लेंगे, तो क्या बन जाता है बच्चों, ये एज इट इज रहता है हमारे पास, तो यहाँ हम भी कोई इसको नहीं टच करते हैं। एलसीएम क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पे एलसीएम आ जाता है साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम आता है, तो ये यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास एज इट इज रहेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं क्या आएगा कोस थीटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे मोर देन वन टर्म आ चुकी हैं, क्या करें ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान से देखें, अगर मेरे पास P अपॉन क्यू अपॉन आर बाय एस, इट मीन्स एक फ्रैक्शन के अपॉन में दूसरी फ्रैक्शन आती है, ये एक फ्रैक्शन है ये दूसरी फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को तो एज इट इज रखते हैं, आर बाय एस चेंज हो गए एस बाय आर बन जाती है, तो यही काम है वो, ये पी बाय क्यू है ये आर बाय एस है, तो चेंज कर देते हैं हम इनको, तो हमारे पास क्या बनता है ये, तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा पी अपॉन क्यू रहेगा। अब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बन गया हमारे पास, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यह आ गया। फिर यहाँ पे प्लस रहेगा, फिर यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाता है, इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाता है बच्चों। फिर क्या करें हम, ऊपर ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के तुरंत बाद हमारे पास क्या आता है, साइन स्क्वेयर बन जाता है, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास, कोस थीटा है इनटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब जैसे ही यहाँ पे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, कोस स्क्वेयर थीटा। अब आपने भी देखा है कि मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाया, इसका मतलब कुछ तो हम यहाँ पे भी करेंगे, और अपॉन में ये साइन थीटा रहता है हमारे पास। अब यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, किसका चेंज है, सिर्फ एक साइन का चेंज है, कौन से साइन का, माइनस का, तो मैं इनको सेम बना सकता हूँ, ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ भी मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना सकता हूँ। कैसे, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव होएगा तो पहले आ जाएगा, कोस थीटा नेगेटिव होगा तो बाद में आ जाएगा, वही करते हैं हम। मैंने माइनस कॉमन ले दिया तो अंदर मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही आपको देखना है ध्यान से, ठीक है, यही है एक छोटा सा स्टेप, ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया आपको दिखाने के लिए, हमने ऐसे किया। अब देखिए बच्चों क्या है, नीचे से हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आ जाता है, अगर कॉमन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ही निकाल देंगे, कॉमन आता है तो हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमने निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया, हमारे पास रह गया साइन स्क्वेयर थीटा
अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रह गया। अब क्या दिखाई दे रहा है, एलसीएम ही दिखाई दे रहा है, तो एलसीएम ही ले लेते हैं। तो हमारे पास बनता है यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और हम यहाँ पे एलसीएम ले देते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, ऊपर देखो ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी बनती है। क्या होती है आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ए माइनस बी होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए माइनस बी इंटू मतलब सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है। ए के प्लेस पे साइन थीटा है, बी के प्लेस पे कोस थीटा है, पुट करो तो मेरे पास क्या बन के आता है, ये यहाँ से जो यहाँ पे लिखा है इसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, तो मेरे पास ये आ गया ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर मीन्स साइन थीटा स्क्वेयर, फिर बी स्क्वेयर कोस थीटा स्क्वेयर प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये क्या है, ये है ए बी, अपॉन में जो है हमारे पास वो एज इट इज रहेगा, ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक लिख दिया हमने। फिर क्या हुआ, ये जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, इस पूरे से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, फिर हम इसको कैंसल आउट कर देते हैं, क्या बच गया हमारे पास, ऊपर ये आ गया हमारे पास क्या, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपॉन में क्या रह जाता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ भी देखते हैं हम कि हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या बनता है, वन बन जाता है, तो मैं यहाँ पे वन लिख सकता हूँ, और ये जो है मेरे पास साइन थीटा अपॉन इन प्लस कोस थीटा एज इट इज रहेगा, अपॉन में क्या रह गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सम अच्छा है, आंसर नहीं आ रहा है 3 या 4 नंबर का, ऐसा ही आता है, या यूं कहेंगे इससे भी थोड़ा सा टिपिकल आता है, कोई भी ज़्यादा इसके अंदर हमने अभी तक रॉकेट साइंस नहीं लगाई। क्या लिया, एलसीएम लिया, आइडेंटिटी अप्लाई की, एलजेब्रिक आइडेंटिटी भी लग गई, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लग गई, बस और तो कुछ नहीं किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये ए प्लस बी अपॉन सी है तो मैं इसको ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकता हूँ, मतलब कि मैं इसको अलग अलग के डिवाइड में लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर आने के चांस 99% हो जाते हैं। तो देखें भी कैसे आंसर आता है, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसल आउट हो जाता है, तो मेरे पास ये बचता है। अब इसके बाद बच्चों देखें भी कहाँ करें, स्पेस की थोड़ी सी दरकार है हमें, एक बार फिर देखो मैं आपको दोबारा से स्टेटमेंट सम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड की, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया साइन थीटा कोस थीटा को, एलसीएम लिया, यहाँ हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे भी एलसीएम लिया, फिर इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ तक, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया हमारे पास, फिर ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन ले दिया, अंदर ये रह गया, यहाँ फिर एलसीएम बनता है, एलसीएम ले दिया हमने, ऊपर देखा ध्यान से तो आइडेंटिटी बनती है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आपको बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेनी है, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये हमने यहाँ पे लिख दी। फिर इसके बाद ए माइनस बी था उससे ये कैंसिल आउट हो गया, अंदर ये रह गया हमारे पास, यहाँ देखा तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन जाती है, तो उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, फिर हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से हमारे पास हमने इसको 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा लिख लिया।
अब इसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा कैंसिल आउट कर दिया। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जैसे ही स्टार्ट करेंगे देखना ध्यान से कैसे आंसर आता है, ठीक है, देखें भी कैसे आंसर आता है। तो मेरे पास ये आ गया, वन अपॉन में साइन थीटा इंटू वन अपॉन कोस थीटा, और जो वो कैंसिल आउट हो गया था वो क्या था, वो तो वन ही था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे था, देखें बिल्कुल लास्ट में था ये, ठीक है, क्या था, वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस वन। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इसको नज़दीक ले जाओ आपको दिखाई देगा, इतना लिख दिया मैंने। अब आपको पता है कि हमारे पास वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है, और वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा और प्लस में वन। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में जैसा हमें आंसर चाहिए वैसा लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये क्या आ जाता है, यह हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये छोटा सा क्वेश्चन, क्या करना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं या इससे भी अपर लेवल के आते हैं, यहाँ तो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं ये। तो पहला काम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, दूसरा काम एलसीएम, एलसीएम अगर ले सकते हो तो लो, तीसरा काम अगर कोई आइडेंटिटी लगती है या तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो या वो अलजेब्रिक हो, अप्लाई करो, उसके बाद सोल्व करते रहो, आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देता रहता है, ठीक है। ये सिंपल सम है, आज हमने तीन सम आपको करा दिया, यही आपको फेयर नोटबुक भी करने हैं, और यही आपको इसी टाइप के जहाँ तक हमारा क्वेश्चन होगा, जब हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका हम टेस्ट ले लेंगे, ठीक है बच्चों।